नमस्ते, मैं डॉक्टर अजीत रानड़े, बंबई में जो पशुवैद्यकीय महाविद्यालय है वहाँ पे अधिष्ठाता प्रिंसिपल करके काम करता हूँ और गए 30-35 साल से पोल्ट्री साइंस कुक्कुट पालन शास्त्र से जुड़ा हूँ और वही सब्जेक्ट वो मैं बच्चों को सिखाता हूँ। तो आज आपसे मैं बात करूँगा कुछ अंडे के बारे में, और अंडे के बारे में जो जनमानस में जो कुछ गलत फहमियाँ है या कुछ वो मानते हैं कि अंडे के बारे में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में आपसे मैं बात करूँगा। सबसे पहली बात करूँगा अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी है। अब अगर शाकाहारी और मांसाहारी की बात की जाए तो शाकाहारी उस चीज़ को कहते हैं जिसमें से रिप्रोडक्शन नहीं होता। नाउ अंडा जो है आज की तारीख में जो बनता है वो सिर्फ मुर्गियाँ पाली जाती है, उनके साथ नर मुर्गे जो है वो नहीं रखते, इसलिए नर और मादी का संयोग नहीं होता। इसलिए जो भी अंडे मुर्गियाँ देती है उसमें से नया जीव जिसको हम कहते हैं नया चूजा बाहर आने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। इसलिए जैसे कि हम गाय से मिला हुआ दूध को शाकाहारी मानते हैं, उसी तरह से जो मुर्गियों से जो हमें अंडे मिलते हैं वो भी शाकाहारी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें से कोई जीव, कोई पिल्लू, कोई दूसरा पक्षी तैयार होने वाला नहीं है। इसलिए शाकाहारी नहीं है ऐसा मान के अंडा न खाना, ये सरासर गलत बात है। दूसरी एक बात अंडे के बारे में हम लोग सुनने को मिलता है कि अंडे में हीट बहुत ज़्यादा है, इसलिए नॉर्मली जो समर सीज़न आता है जब गर्मियों के महीने शुरू होते हैं तो अंडे का कंजम्पशन कम होता है, लोग कम खाना शुरू करते हैं। एक्चुअली अंडे में हीट नहीं रहती। अगर हम कैलोरी हीट जो है उसको हम कैलोरी में गिनते हैं, तो अगर हम कैलोरी की बात करें तो 50 ग्राम का अंडा है और 50 ग्राम हमने अगर राइस लिया या व्हीट लिया तो राइस में और व्हीट में कई गुना ज़्यादा एनर्जी जो है वो अंडे के हिसाब से है। तो अंडे में हीट है ये सरासर गलतफहमी है, शायद वो कुछ दूसरी चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, बट हीट के बारे में मैं आपको पक्का बोल सकता हूँ कि अंडे में हीट ज़्यादा नहीं है। और एक बात जो है वो लोग सुनते हैं कि मुर्गियों में काफ़ी डिजीज़ काफ़ी रोग रहते हैं और अंडे खाने से या मुर्गी खाने से वो रोग मनुष्य के हो सकता है, उसके बारे में मैं दो चीज़ें आपको बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ जो है कि एक तो मुर्गियों से मनुष्यों को डायरेक्टली जो कम्युनिकेट हो सके वैसी बीमारियाँ बहुत ही कम है। एक बीमारी है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है वो बर्ड फ्लू, लेकिन बर्ड फ्लू भी मुर्गियों से डायरेक्टली ह्यूमंस को आदमियों को इंसान को कम्युनिकेट नहीं होता। उसके लिए वो जो बर्ड फ्लू मुर्गी में जिस वजह से होता है वो जो विषाणु है वो जो वायरस है उसको म्यूटेट होना पड़ता है, और उसके लिए पिग यानी डुक्कर सुअर या और किसी मिक्सिंग वेसल की ज़रूरत होती है। इसलिए बर्ड फ्लू का भी खतरा डायरेक्टली इंसान को नहीं रहता। बाकी सारे जो डिजीजेस है या रोग है वो रोग जंतु है, वो रोग जंतु जो मनुष्य को प्रभाव करते हैं और जो मुर्गियों को प्रभाव करते हैं उनमें अंतर है। साल्मोनेलोसिस ये एक साल्मोनेला करके एक जंतु है, एक ई कोलाय करके जंतु है, ये इंसान को भी तकलीफ देता है, मुर्गियों को भी और जानवर को भी, लेकिन इनके जो प्रकार है उनके जो स्ट्रेन्स है वो स्ट्रेन्स अलग अलग रहते हैं। इसलिए मुर्गियों को छूने से, अंडों को छूने से, मुर्गी खाने से, अंडे खाने से कोई हमें बीमारी होगी ऐसे बिल्कुल ना समझना। और सबसे अहम बात जो है वो हमारे जो पूर्वज है, हमारे दादा परदादा या हमारे देश में जो परंपरा चलती आ रही है खाना पकाने की, वो पकाने की जो सिस्टम है प्रक्रिया है वो इतनी सही है, और उसमें हम जो मसाले डालते हैं हर एक मसाला हल्दी होए मिर्ची होए हर एक चीज़ के एक एक अपने अपने गुणधर्म है, और जिसमें काफ़ी सारे मसालों के जो पदार्थ है उसमें एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक गुणधर्म जैसे कि हल्दी के बारे में पाए गए हैं। इसलिए हम जब खाना पकाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल करते हैं, एकदम पूरा पकने तक बॉईल करते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस को कोई बैक्टीरिया कोई वायरस कोई जंतु जीव जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो चिंता छोड़ दो। और उसमें जो हम मसाले डालते हैं उसके वजह से उल्टा अगर कुछ रह भी जाए 100 डिग्री के बाद में कोई रहता ही नहीं है जंतु उसके अंदर, तो उसका भी हम खात्मा करते हैं। वो बाकी देशों में जहाँ आधा पका हुआ या कच्चा मांस खाने की परंपरा है वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकता है,
सकते हैं, इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, वो एक बात गलतफहमी है। और दूसरी, कई जगह मैंने ऐसे देखा है कि बच्चे जो है वो हम सिर्फ अंडे में से जो वाइट है वो खाते हैं और येलो हम नहीं खाते क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल है। अरे भैया ऐसे नहीं है, अंडे अगर आपको खाने हैं तो साथ में खाने हैं। नो डाउट जो वाइट है उसमें प्रोटीन है, लेकिन जो येलो है उसमें भी प्रोटीन है। जो येलो है उसमें फैट्स ज़्यादा है ये मैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ फैट नहीं है, उसके अंदर प्रोटीन्स भी है। और वो जो फैट है वो फैट में कोलेस्ट्रॉल है जो अपने शरीर को लाभदायी है। इसलिए अंडे खाते वक्त वाइट और येलो ऐसा डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे अंडे आप एक साथ खा सकते हो। तो आप ये सब चीज़ों से अगर आप में आपके मन में कोई शंका है तो आप उसको भूल जाए। और इन्फॉर्मेशन यही यूट्यूब चैनल पे या और कई जगह पे आपको मिलेगी। आपके तंदुरुस्ती के लिए, आपके सेहत के लिए आपको प्रोटीन इनटेक बढ़ाना ज़रूरी है। और अंडे के जैसा आज की तारीख में सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट मस्त सोर्स कोई नहीं है, अफोर्डेबल है। 5 रुपये में 6 रुपये में आपको 6.5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, उससे बढ़िया चीज़ आज की तारीख में नहीं है। और लास्ट बोल जाते वक्त बोलता हूँ कि अंडा ये एक ही चीज़ ऐसी है जिसको कोई एडल्ट्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि एडल्ट्रेट करने के लिए वो फोड़ना पड़ता है, एक बार फोड़ लिया तो अंडे को वो बेच नहीं सकेगा। इसलिए जो चीज़, जो फूड आइटम को एडल्ट्रेट मतलब उसमें भेसड़ नहीं की जा सकती है, वैसा फूड आइटम जो है वो अंडा है। इसलिए ये सब उसके जो गुणधर्म है जो अपने सेहत के लिए बहुत अच्छे है उनको पाइए। और रोज़ आप ब्रेकफास्ट में या दिन में कभी भी 2 अगर 3 अंडे खाते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।